हिमाचल प्रदेश पुलिस अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा जनता को जागरूक करने के संदर्भ में अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और ट्रैफिक नियमों के साथ साथ पुलिस कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है और शराब पीकर गाड़ी चलाना उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध होता है। साथ ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य एम्बुलेंस को प्राथमिकता देना है, ताकि लोग एम्बुलेंस को प्राथमिकता देकर अपनी नैतिकता का परिचय दे सके। हिमाचल प्रदेश पुलिस 7-8 दिसंबर को फर्स्ट राइजिंग डे मनाने जा रही है। इस राइजिंग डे का मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच आई हुई दूरियों को मिटाना है, ताकि दोनों में एकता बनी रहे। इस अवसर पर एसपी मंडी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और ट्रैफिक नियमों के साथ साथ पुलिस कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच आई हुई दूरियों को मिटाना है, ताकि जनता के साथ उनके संबंध अच्छे रहें और जनता बिना किसी खौफ के अपनी बात पुलिस के समक्ष रख सके। मुझे ये बताते बड़े हर्ष हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस 7 और 8 दिसंबर को अपना प्रथम स्थापना दिवस मना रही है, और इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कियोस्क खोला है, जो हमारे डीजीपी साहब की शुरुआत है। उसका कहना ये है कि जो जनता और पुलिस के बीच में जो कुछ दूरियाँ बड़ी हैं, उसको कम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस कियोस्क, जिससे जैसा कि आपने देखा अभी हमने इसका उद्घाटन किया, इसके द्वारा हम लोगों को बताएंगे कि उसके क्या अधिकार हैं, कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है, तथा राइट टू सर्विस गारंटी एक्ट में वो किस तरह से अपनी सर्विस के लिए ऑफिस को बोल सकते हैं, तथा पुलिस के बारे में और अपराध से संबंधित कोई भी जानकारी उनको चाहिए तो यह कियोस्क में आके ले सकते हैं। ये कियोस्क 3 दिन चलेगा और फ्यूचर में ऐसे जो इस तरह के प्रयास है वो करते रहेंगे, और मेरी जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आके इस सुविधा का लाभ उठाएं। इससे न केवल जानकारी बढ़ेगी, बल्कि आपको पुलिस के बारे में जो प्रोसेसेस हैं, जो जिस तरह की प्रक्रिया है वो कैसे अपनाते हैं, उसको पता चलेगा।